नहीं मामी मैगी बनाई है मैपी। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर किचन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता चल गया है, गोविंद ने आपको बता दिया है, आज उसके लिए बन रही है मैगी। उसको ना लास्ट वीडियो से पता चल गया कि मम्मा आटा नूडल्स लेकर आई है, मैगी लेकर आई है पटेल स्टोर से, तो उसको मैगी मिलेगी। तो आज सुबह से मुझे ब्राइब कर रहा था कि मम्मा मैगी बनाओ, मम्मा मैगी बनाओ। देन आई प्रोमिस्ड हिम कि बेटा सुबह सुबह नहीं, हम लंच में आपके लिए मैगी बनाएंगे। एंड मैं लंच से उसको डिनर की तरफ ड्रिफ्ट कर ही रही थी कि वो एकदम अड़ गया कि नहीं अभी मुझे मैगी खानी है। तो फिर मुझे लगा बच्चा बड़ा हो गया है, समझने लग गया है प्रॉमिस का मतलब, तो उसका प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहिए, मैगी बना देते हैं। तो आटा नूडल्स लेकर आई थी, इसीलिए मैं आटा नूडल्स लेकर आती हूँ क्योंकि वो थोड़े से हेल्दी होते हैं। दो ये सब मैगी वगैरह बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती, बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, बट कभी कभार इट्स फाइन टू गिव देम, यू नो, इनको बहुत पसंद होती है मैगी। तो अभी उसके आटा नूडल्स बन रहे हैं और आज मैं गोविंद के लिए बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स पाउडर उसके दूध में मिक्स करने के लिए। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपके बच्चे इसके जितने बड़े हैं जो ड्राई फ्रूट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उनके लिए ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर बहुत अच्छा रहता है। मेरी मम्मी ने बोला तुम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लो, उसको अच्छे से स्टोर कर लो और फिर तुम उसके दूध में डाल डाल के उसको ड्राई फ्रूट्स दे सकती हो। तो मुझे लगा कि ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाऊंगी, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। पहले मैं इसको मैगी सर्व कर देती हूँ, इसकी मैगी बन चुकी है ऑलमोस्ट। इसको थोड़ा सा सेटल डाउन करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स पाउडर के लिए मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और सबको मैंने अपने हाथ से मेजर किया है, एक एक मुट्ठी। तो एक मुट्ठी मैंने बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू के पीसेस लिए हैं बिकॉज एनीवेज हमें पाउडर ही बनाना है तो पीसेस भी आप यूज कर सकते हो। थोड़े से पिस्ताचियोस, थोड़े से मखाने और थोड़े से मैंने वॉलनट्स लिए हैं और मैंने 5 से 7 इसमें केसर स्ट्रैंड्स भी लिए हैं। और यहाँ पे मैंने अभी तवा रखा है मीडियम फ्लेम पे, थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इन ड्राई फ्रूट्स को इंडिविजुअली ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद फिर ठंडा होने के बाद इनका पाउडर बना लेंगे। मैगी तो ना आई गेस हर बच्चे को बहुत पसंद होती है। हमारे घर में तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैगी बहुत ज्यादा पसंद है। अंशुल और गोविंद दोनों ही मैगी के बहुत बड़े फैन हैं। जिस दिन हम लेट नाइट मूवीज देखते हैं ना, चाहे हमने कितना भी हैवी डिनर किया हो, उस दिन रात को मैगी बननी ही बननी है। और जब बनती है ना मैगी, इतनी ज्यादा टेम्पटिंग खुशबू होती है कि मैं भी रेजिस्ट नहीं कर पाती। और फिर धीरे धीरे एक एक बाइट लेते 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 पता भी नहीं चलता कि कब आधी मैगी मेरे पेट में भी चली गई साथ साथ। तो यार मैगी की तो बहुत लंबी स्टोरी है और मैगी हमेशा घर में मिलती ही मिलती है। थोड़ा सा भी पैकेट छोटा हो जाता है ना तो अंशु बोलते हैं अरे मैगी लेकर आनी है, याद रखना। और वो भाई सब देखो अपनी वहां पे बैठ के मैगी इंजॉय करें। यहाँ पे मैं उसके ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही हूँ तो कह रहे हैं नहीं मम्मा ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मुझे पसंद नहीं है। आई सेड बेटा मैं कैसे तुम्हें छुपा के खिला दूंगी ना, ऐसे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, आखिर मैं भी तुम्हारी मम्मी हूँ। अरे यार पता नहीं मम्मी तो कितनी मेहनत करती थी हम लोगों को इस तरीके से छुपा छुपा के हेल्दी चीजें खिलाने में। अब मम्मी बनने के बाद पता चलता है कि बच्चों को हेल्दी चीजें खिलाना कितना टफ होता है और माँ को कितनी सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। तो बस मेरे ड्राई फ्रूट लास्ट बैच कर रही हूँ अभी, पिस्ताचियोस और कैश्यूज का, उस और सारे तो हो गए हैं, हल्का हल्का ही करना है और ये भी हो गया बस। तो ये देखिए मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब बस इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसका पाउडर बना लूंगी ग्राइंड करके। आज का वेदर बहुत खराब है, -1 एंड फील्स लाइक -7। मॉर्निंग में 8 o'clock तो ना स्नो फ्लरीज भी हो रही थी, सॉफ्ट कॉटन बॉल जैसे लग रहा था स्काई से गिर रही थी और जमीन में आते आते वो पानी में कन्वर्ट हो गई। तो अभी स्नो तो नहीं है बट हवा बहुत चल रही है, इसी वजह से बाहर बहुत ठंडा है। और विंटर्स में ना बाहर निकलने का मन तो बहुत करता है लेकिन बहुत आलस आता है, लगता है यार कौन इतनी सारी लेयरिंग करके बाहर निकलेगा। और फिर मुझे तो ना बहुत शोल्डर पेन हो जाता है उन हैवी हैवी जैकेट्स की वजह से। मेरी आई थिंक जो सबसे मोटी जैकेट होगी ना वो 2 kgs की तो होगी और इतनी विंटर्स में तो ना आपको अच्छे से लेयरिंग करके निकलना पड़ता है विद हैट एंड मफलर एंड ग्लव्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत आलस चढ़ता है।
एंड अभी तो ना इंडिया में भी बहुत ठंड हो गई है नॉर्थ पार्ट में. मम्मी तो बता रही थी दिल्ली इज फ्रीजिंग एट लाइक 2-3 डिग्रीज और ऑलमोस्ट अ वीक से वहाँ पे धूप ही नहीं निकली है. तो उन लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे तो ना घर भी ऐसे सेंट्रलाइज हीटेड नहीं होते और कपड़े सुखाने का बड़ा पंगा रहता है वहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे मशीन्स होते हैं कि आपको सन ड्राई वगैरह नहीं करने पड़ते कपड़े, बट वहाँ हमारे यहाँ तो कपड़े धुलने के बाद उसके बाद उसे अच्छे से सन ड्राई वगैरह करके हम लोग कपड़े यूज़ करते हैं क्योंकि गीले होते हैं वो कपड़े. तो कपड़े सुखाने का भी बड़ा ही लफड़ा है. तो मम्मी कह रही थी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि दो छोटे छोटे बच्चे हैं भाभी के, तो उन लोगों के साथ फर्स्ट विंटर्स है, हार्श रहेंगी. बट यार ये अच्छी बात है कि वहाँ की विंटर्स ना बहुत शॉर्ट होती हैं क्योंकि वहाँ की विंटर्स ऑलमोस्ट जनवरी 20th तक ही रहती हैं. उसके बाद धीरे 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 टेम्परेचर सही की तरफ ही जाता है. बट यहाँ पे तो अच्छी खासी लंबी विंटर्स होती हैं. आई रिमेम्बर जब हम लोग शिकागो आए थे मई में, तब भी ऐसा वेदर था कि इवनिंग में हमें एक पतला सा फ्लीस पहन के निकलना पड़ रहा था. तो यस, लॉन्ग 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 विंटर्स अभी तो स्टार्ट हुई हैं, आगे आगे देखते हैं होता है क्या. लेकिन ये अच्छी बात है इस बार ना स्नो कम हुई है, लाइक सब लोग कह रहे हैं कि स्नो इस बार काफ़ी कम हुई है. अदरवाइज दिसंबर में तो हैवी स्नोफॉल हो जाता है, अच्छा खासा स्नोफॉल आपको दिखता, बट अभी तक ऐसा स्नोफॉल नहीं देखा. अक्टूबर में हुआ था हैलोवीन के टाइम, उसके बाद फिर स्नोफॉल ऐसा नहीं हुआ इतना हार्श. तो अभी मैं सोच रही हूँ गोविंद को लेकर जाती हूँ लाइब्रेरी, वो थोड़ा सा वहाँ पर प्ले कर लेगा क्योंकि वो भी ना बहुत होम रिस्ट्रिक्टेड सा फील करता है. घर पे ही है बेचारा इतने दिन से, स्कूल वगैरह भी कहीं बाहर निकलना नहीं हो रहा. और लाइब्रेरी हम लोग लास्ट वीक ही गए थे तो उसकी जो बुक्स लेकर आई थी वो भी रिटर्न करनी है और न्यू बुक्स हम लोग लेकर आएंगे. और हाँ, आप लोग मुझसे बोलते हो कि मैं गोविंद की बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैं डे टू डे बेसिस पे जो व्लॉग्स बनाती हूँ उसमें दिखाती रहती हूँ कि जो लाइब्रेरी से मैं बुक लेकर आई हूँ और मैं कौन सी बुक्स गोविंद के लिए अभी रीड कर रही हूँ. तो अगर आप व्लॉग्स को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा. और हमने अभी रिसेंटली गोविंद के लिए राइटिंग बुक्स भी इंट्रोड्यूस करी हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. तो ये हैं गोविंद की ड्राई इरेज एक्टिविटी बुक्स, इसके साथ वॉशेबल ड्राई इरेज मार्कर्स भी आते हैं और अदरवाइज भी आपको स्टेशनरी स्टोर पे मिल जाएंगे इजीली वॉशेबल ड्राई इरेज मार्कर्स. और ये देखिए इस तरीके की होती है ये बुक, इसके पेजेस ऐसे हैं कि आप इस पे मार्कर से लिखेंगे और इजीली ये क्लीन भी हो जाती है. तो अभी हम रिसेंटली ये इंट्रोड्यूस किया है हमने गोविंद को राइटिंग प्रैक्टिस कराने के लिए. तो ये देखिए ये नंबर्स की है और ये अल्फाबेट्स की है, काफ़ी अच्छी सी है, कलरफुल है, तो बच्चों को मज़ा भी बहुत आता है इस तरीके से प्रैक्टिस करने में. एंड आई थिंक ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी. हमें तो ये किसी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बट आई एम श्योर ये अमेजोन पे अवेलेबल होंगी. और अगर आप US कनाडा में हैं तो कॉस्को वगैरह पे भी आप इसे चेक कर सकते हैं. तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका अमेजोन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और ये देखो मैं जो लेयरिंग कह रही थी ना, इस तरीके से लेयरिंग करते हैं, कैप के ऊपर कैप, जैकेट, एक पतला जैकेट अंदर पहनाया है और एक मोटा जैकेट बाहर पहनाया है. और अब मैं ग्लव्स पहना रही हूँ उसके छोटे छोटे. तो बच्चों को तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है जब विंटर्स में बाहर निकलना होता है ना. सॉक्स, शूज़, और फिर शूज़ के ऊपर भी इनकी बातें होती है कि इनको पहनने हैं समर शूज़, बट समर शूज़ इतने पतले होते हैं कि ठंड लगेगी, इसलिए मम्मा को मनाना पड़ता है विंटर शूज़ के लिए. बट आज को कौन से शूज़ पहन रहा है? विंटर शूज़. आयो, We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be. Great outdoors, forever free. बैक. और आज इतनी ज्यादा ठंड है ना, इवन आफ्टर वेयरिंग अ कैप ऐसा लग रहा था एक कान से हवा घुस रही है और दूसरे से निकल रही है, बहुत ज्यादा बर्फीली हवा चल रही है. एक्चुअली शिकागो में ना हवा ही होती है जो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग होती है. वेदर मतलब टेम्परेचर कम हो फर्क नहीं पड़ेगा उतना जितना हवा से, तो फील्स लाइक जो होता है ना. अच्छा अभी दिखाएंगे बेटा, अभी दिखाएंगे, एक सेकेंड मम्मा बात कर ले. तो टेम्परेचर -1 पे फील्स लाइक -10 हो जाता है बिकॉज ऑफ कोल्ड हवा. तो अभी मैं आपको फटाफट से बुक्स दिखा देती हूँ. आज हम लोग लाए हैं ये कार वाली बुक, तो इसमें इस तरीके से बस कार वगैरह पॉप होती हैं. तो गोविंद को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी देखते ही, एंड ही सेड मम्मा ये वाली बुक चाहिए. एक ये वाली बुक लाए हैं व्हील्स एट वर्क सिटी,
तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हैं जो काम करते हैं पूरी सिटी के लिए, लाइक डिलीवरी बस एंड स्कूल बस, सिटी पार्क एंड ऑल दैट. और एक हमने पूरी किट ली थी, ये देखिए ये किट है. इसमें पुलिस पेट्रोलिंग एंड ट्रैफिक से रिलेटेड पजल है, बुक्स हैं. तो ये तीन बुक्स निकली हैं उसके अंदर, ट्रैफिक पब्स, बग पेट्रोल, पुलिस ऑफिसर्स ऑन पेट्रोल. और एक सेकेंड गोविंद दिखाना बेटा. और उसमें एक ये पजल भी है, तो गोविंद ने ये पूरा डिसइंटीग्रेट कर दिया है बिकॉज ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द पजल. और ये देखो एक क्यूट सा पुलिस मैन है, तो इसको बच्चे हाथ में पहन के ना इस तरीके से प्रिटेंड प्ले भी करते हैं. गोविंद अभी 4:10 हुआ है इवनिंग का और बाहर बारिश भी हो रही है. मैंने अभी अंशुल को फ़ोन किया था, वो भी ऑफिस से निकल गए हैं, बस 10-15 मिनट्स में आते ही होंगे. और आज उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि घर पे कुछ कुक मत करना, आज हम लोग बाहर खाने जाएंगे. उनका मन है न्यू ईयर पे कुछ बाहर खाने जाते हैं. तो वैसे मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन लंच टाइम पे की थी, ये मैंने काट के रखा था. और आप सबने बोला ये परवल नहीं होती, एंड मैं आज तक यूएस में आने के बाद इसे परवल समझ के ही खाती थी. लाइक जब भी इंडियन स्टोर पे मिलता था ना ये, तो मैं बोलती थी ये परवल है चलो ले लो, और परवल और आलू की सब्जी, लाइक आलू परवल बनाती थी मैं. बट बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में बहुत सारे इसके नाम बताए हैं. ये सब्जी अब मैंने चॉप वगैरह करके रखी है, कल सुबह बना दूंगी उनके लंच के लिए. और मैंने कुछ आलू बॉईल करके रखे थे, सोचा था कि कुछ आलू की सब्जी बनाऊंगी आज भंडारे वाली, बट अंशुल बोल रहे हैं कि आज बाहर खाने जाना है, तो फिर मेरा कुछ भी काम नहीं है. किचन में थोड़े से बर्तन है बस, वो क्लीन करूंगी. गोविंद के लिए वो ड्राई फ्रूट वाला पाउडर भी बनाना है, तो ड्राई फ्रूट जो है वो पूरे अच्छे से ठंडे हो गए होंगे, तो अब ग्राइंड बहुत अच्छे हो जाएंगे. तो मैं जो मसाले पीसने वाला जार है ना छोटा सा, उसके अंदर डाल के इसका पाउडर बनाती हूँ. तो ये देखिए मेरा पाउडर बन गया है, मैंने थोड़ा सा ही बनाया है अभी, क्योंकि मुझे लगा अगर वो पी लेगा तो फिर मैं फ्रेश फ्रेश बना लिया करूंगी. पहले तो ये देखना है कि वो कितने नखरे करेगा इसे पीने के लिए. बट इसकी ये ट्रिक मैं अपनाऊंगी कि दूध गर्म करके एक चम्मच ये मिला दूंगी और ऊपर से बॉर्नविटा डाल दूंगी, तो टेस्ट में नहीं चेंज होगा उसका कुछ भी. तो इसकी शेल्फ लाइफ भी काफी अच्छी होती है, आप इसे बना के अच्छे से मेसन जार में फॉर गुड 1 month स्टोर कर सकते हो. गोविंद आप अपना पजल किससे लगवा रहे हो? दादी. ओके बेटू पापा आ गए. और मम्मा क्या करती है आपके लिए? मम्मा पूरी कराती है सुबह सुबह. गोविंद कम, योर दुद्दू इज रेडी. देखो चॉकलेट मिल्क बनाया है मम्मा ने. मेरा आज का एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट रहा, गोविंद ने अपना दूध आराम से फिनिश किया बिकॉज उसको ना पता ही नहीं चला वो चॉकलेट मिल्क था, तो उसे लगा ही नहीं कि कुछ और है, और उसे चॉकलेट मिल्क वैसे भी अच्छा लगता है पीने में, तो उसने पी लिया. तो आई वुड सजेस्ट अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्राई करना चाहते हैं ना, तो जो भी ड्रिंक उनकी फेवरेट है ना, लाइक कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, जो भी वो पीना चाहते हैं, उसके साथ आप इस ड्राई फ्रूट पाउडर को मिक्स करके दीजिएगा ना, आई एम श्योर आपके बच्चों को भी पता नहीं चलेगा. तो यस, आज का मेरा एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हुआ, मैं तो बहुत हैप्पी हो गई. और अभी मैं बना रही हूँ चाय मेरे और अंशुल के लिए, 5 बज गए हैं, तो फटाफट से चाय पी के निकलेंगे डिनर करने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी वापस आएंगे. गोविंद अपनी आफ्टरनून की नैप अब नहीं लेता है, उसकी छुट्टियां चल रही है ना, तो पूरा दिन खेलता है, तो इसीलिए मैं फिर रात में उसको ऑन टाइम बेड पे मैक्स बाय 7:30-7:40 सुला देती हूँ. तो जल्दी से जाएंगे डिनर करेंगे, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि बहुत दिन हो गए ऐसे ना डिनर करने हम बाहर नहीं गए, तो आज जाने वाले हैं. और यस, आज 30th of December है, न्यू ईयर आने वाला है, जस्ट एक दिन बचा हुआ है, 2020 आने वाला है. एंड मुझे आप लोग बताइएगा कि आपके न्यू ईयर के क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या आपने रेजोल्यूशंस लिए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. न्यू ईयर पे हम तो बहुत सारा फन करने वाले हैं, जो आप ऑफकोर्स वीडियोज में देखोगे ही. एंड मेरे रेजोल्यूशन 2020 के दो ये हैं कि फर्स्ट
इन एनी सिचुएशन मैं ट्राई करूंगी कि मैं बहुत हैप्पी रहूं. कभी भी डाउन भी फील होगा ना तो अपने आप को हैप्पीनेस की तरफ ड्राइव करूंगी. तो ये तो मेरा हमेशा हर साल का रेजोल्यूशन होता है. और सेकंड रेजोल्यूशन इस साल का ये है कि मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है एज मच एज पॉसिबल. मैं हेल्दी खाऊंगी, बाहर का खाना अवॉइड करूंगी, घर का बना खाना खाऊंगी. दो आज हम जा रहे हैं क्योंकि न्यू ईयर है यार, तो कोई बात नहीं, अभी तो चलता है. बाहर का खाना जितना हो सकेगा अवॉइड करेंगे. और यस, ये मेरे 2020 के दो रेजोल्यूशंस हैं. तो आप लोग भी मुझे अपने रेजोल्यूशंस बताइएगा. और आज का ब्लॉग काफ़ी चिटचैटी हुआ और आपने मम्मा एक्सपेरिमेंट देखा. आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट मेरा पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड प्लीज़ बिकम द पार्ट ऑफ आवर फैमिली टू बिकम मोर एंड मोर हैप्पी. मिलूंगी आपको अब न्यू ईयर में एक और न्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय फैमिली टू योर्स इन एडवांस. एंड यस, अब 2020 में कोई वीडियो आएगी. लव यू ऑल, बाय बाय.